नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स हर्निया के बारे में। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि स्पोर्ट्स हर्निया क्या है और क्या वो इस हर्निया के शिकार हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि स्पोर्ट्स हर्निया जो है ये एक्चुअली में हर्निया नहीं है, ये एक मसल या टेंडन या बोन में कुछ डिफेक्ट है, उनमें कुछ स्वेलिंग है या उनमें कोई फ्रैक्चर है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रही है। हर्निया का मतलब होता है कि बॉडी में कहीं कोई एक ऑर्गन किसी और कैविटी में जा रहा है। यूजुअली कहीं कोई होल है जिसमें से कि कोई आंत या चर्बी उस होल में से पास होके कहीं और जा रही है, यानी कि जैसे नाभि में होल है तो वहाँ से आंत या चर्बी बाहर को आ रही है, या अगर ग्रॉइन में होल है तो वहाँ से आंत या चर्बी निकलकर नीचे ग्रॉइन में जा रही है। लेकिन स्पोर्ट्स हर्निया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी मसल्स या मसल्स जहाँ बोन से जुड़ती हैं जिन्हें हम टेंडन के नाम से जानते हैं, या जहाँ वो बोन से जुड़ी हैं, इनमें कोई स्वेलिंग है या इनमें कोई फ्रैक्चर है या इनमें कोई ब्रेकेज है जिनकी वजह से पेशेंट पेन फील कर रहा है। ज़्यादातर ये ऐसी स्पोर्ट्स से होती हैं जिनमें पेल्विस की मूवमेंट ज़्यादा हो, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें बार बार पेल्विस की मूवमेंट रहती है। तो इनमें कहीं ना कहीं या तो मसल्स में स्प्रेन हो गया, यानी जो मसल आप ट्विस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से मसल को इंजरी हो गई, या जहां मसल बोन से जुड़ती है उसे हम टेंडन बोलते हैं, वहां पर कोई स्वेलिंग हो गई या उसमें कुछ दरार आ गई, या जहां बोन से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस हड्डी में थोड़ा सा स्वेलिंग या उसमें हल्का माइक्रोफ्रैक्चर हो गया। तो इनकी वजह से एक क्रॉनिक परसिस्टेंट पेन हो सकती है जो जल्दी ठीक नहीं हो रही, और ऐसी कंडीशंस को हम स्पोर्ट्स हर्निया के नाम से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई कंडीशन है तो आपके डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको पहले हिस्ट्री लेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, उससे कुछ आइडिया लगेगा कि वाकई ये स्पोर्ट्स हर्निया हो सकता है या नहीं। फिर आपको एग्ज़ामिन करेंगे, देखेंगे कि कौन से जगह पर यह पेन है, कुछ बॉडी की मूवमेंट्स कराकर देखेंगे कि ऐसे मूवमेंट्स पर ये पेन होता है या नहीं, जिससे आइडिया लगेगा कि वाकई ये स्पोर्ट्स हर्निया हो सकता है या नहीं। इसके बाद अगर टेस्ट करवाने पड़ते हैं तो इसका सबसे अच्छा टेस्ट है MRI। MRI में हमें दिख सकता है कि कोई पर्टिकुलर बोन में कोई डिफेक्ट है या उसके मसल में या टेंडन में कहीं कोई डिफेक्ट है या नहीं। इसके बाद अगर डायग्नोस बन जाता है, पता चल जाता है कि ये वाकई ये एक स्पोर्ट्स हर्निया का केस है, तो हम इसे डिफरेंट मोडालिटीज़ से ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हमें कोई वाकई फ्रैक्चर नहीं दिखता तो हम सिंपल मेडिसिन दे सकते हैं, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी या कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन का कोर्स करवा सकते हैं, जिससे अगर कोई स्वेलिंग है तो वो दब जाएगी और अगर कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर है या कोई डिफेक्ट है तो हो सकता है वो अपने आप ही हील कर जाए। अगर ये सब करने के बावजूद भी ये पेन बरकरार रहती है तो उन कंडीशंस में हम फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस एरिया पर कोई इंजेक्शन लगा सकते हैं, या अगर ऐसा लगता है कि कोई नस के दबने से ये पेन हो रही है तो उस नस को रिलीज़ कर सकते हैं, उसे डैमेज कर सकते हैं या तो इंजेक्शन से या एक दूरबीन के ऑपरेशन से। अगर इनसे भी नहीं बात बन रही है और वाकई ये कोई बड़ा डिफेक्ट है, फ्रैक्चर है या मसल टूट गया है, टेंडन का रप्चर हो गया है, तो उन कंडीशंस में इसका ऑपरेशन किया जा सकता है और जहाँ पर भी ये डिफेक्ट है उसे हम ठीक कर सकते हैं। ये ऑपरेशन ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी से भी कर सकते हैं, जिसमें एक सिरा दिया जाएगा जहाँ पेन है उसके ऊपर और ये रिपेयर किया जाएगा, या फिर इसे आजकल के जो मॉडर्न मेथड्स हैं जैसे दूरबीन से यानी लैप्रोस्कोपी से या रोबोटिक सर्जरी से भी ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम है जिसमें आपको लग रहा है कि ये स्पोर्ट्स हर्निया हो सकता है, तो आप एक स्पेशलिस्ट से मिलिए, उससे एग्जामिनेशन करवाइए, टेस्ट करवाइए, और अगर ये प्रॉब्लम निकलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, उन सब के यूज़ से आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीना दोबारा से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।